चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं एक साधारण परिवार से हूं, किसान परिवार से हूं, मेरी आयु अभी 26 कंप्लीट भी नहीं हुई है और मुझे ये मौका महागठबंधन ने दिया है। तो स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और बेरोजगारी, पलायन, ये चार अहम मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि अब युवाओं का दौर है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बिहार में जो खाली है वो 15 साल से अपने चरम सीमा पर, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा चुकी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था आईसीयू में चली गई है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, अपने जाने विधानसभा के अंतर्गत अगर आप देखें सरकारी स्कूल को तो उसकी इमारतें जर्जर हो चुकी है। आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, आपका एक एक वोट आपके बच्चों के सेहत का भविष्य तय करेगा कि क्या वो स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी बिहार की जाले सीट पर, विधानसभा सीट पर हैं और हमारे साथ महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मशकूर उस्मानी हैं। मशकूर भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत चलचित्र अभियान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मशकूर भाई, मेरा पहला सवाल मशकूर जी आपसे ये है, आप एक नौजवान नेता हैं, अभी आप कुछ ही 2 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन अध्यक्ष भी रहे हैं, युवाओं से उम्मीद की जाती है कि कुछ एक नई लहर राजनीति में लेकर आएंगे, किस तरह के मुद्दे इस बार आप उठा रहे हैं इस चुनाव में? मेरे ख्याल से अब तक आपको बिहार में आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको अब लहर नहीं बल्कि आपको बिहार में एक आंधी दिख रही होगी और वो महागठबंधन की आंधी है और ये इस बात को साफ बताती है कि बिहार के तमाम लोग, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग जो है वो अब युवाओं के हाथ में बिहार की बागडोर देना चाहते हैं। वो 70 साल के बूढ़े नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार की बागडोर नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सभा में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से लोगों का ये संकल्प है कि इस बार जो है युवाओं को लेकर आना है, बल्कि मेरा जो टिकट है वो मैं किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री या किसी कैबिनेट मिनिस्टर के ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, मेरी आयु अभी 26 कंप्लीट भी नहीं हुई है और मुझे ये मौका महागठबंधन ने दिया है। तो ये एक संदेश है कि युवाओं को जो है राजनीति में मौका दिया जाएगा। बिहार में मुख्य रूप से क्या मुद्दे आप उठाने वाले हैं? देखिए, बिहार के स्तर पर अगर आप देखें तो स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और बेरोजगारी, पलायन, ये चार अहम मुद्दे हैं। और एक और मुद्दा अहम है, वो बाढ़ का है। चूँकि आपने कहा कि जाले की बात बाद में करेंगे, लेकिन बिहार का मुद्दा जो है वो बाढ़ है। और बाढ़ एक बड़ा मुद्दा इसलिए है चूँकि लगभग आधा बिहार हर साल बाढ़ से डूबा होता है। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और बाढ़ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार ये लोगों से बता रहे हैं कि जो चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे, किसानों को सही मुआवजा मिले, इस पर हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। दोस्तों, ये वक्त सरकार को बदलने का है, ये वक्त बदलाव का है। ये जो 15 साल से NDA की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प बिहार की एक एक जनता ने कर लिया है। दोस्तों, हमारे चुनावी मुद्दे जो है वो बहुत अहम मुद्दे हैं और बहुत बुनियादी मुद्दे हैं। हम पीछे से लीजिए और सब जाले विधानसभा के अंतर्गत अच्छे स्कूल खोलना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा सरकारी स्कूल हो। एक गरीब किसान का बेटा हूं मैं, मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, मुझे मालूम है खेती करके कैसे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे जाले विधानसभा के अंतर्गत गरीब का बच्चा, एक एक बच्चा
उसको उंगली पकड़कर मैं उसको स्कूल ले जाने का काम करूंगा। ये और एक मुश्कुर जी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई मुद्दे हैं स्वास्थ्य, मुद्दे हैं शिक्षा, मुद्दे हैं पेंशन, मुद्दे हैं रोजगार, है ना। और कहीं ना कहीं गठबंधन का और तेजस्वी जी का स्पेसिफिकली नारा है कि पहले सामाजिक न्याय मिला अब आर्थिक न्याय मिलेगा। और कोई भी लोग यही चाहेंगे कि यही मुद्दे बने, लेकिन अंत अंत में देखा गया है कि भाई कई सारे चुनाव होते हैं वो जातीय समीकरण पर, धार्मिक समीकरण पर ही आके सिमट जाते हैं। अब आप ही की सीट के लिए आप ही का ही उदाहरण ले तो आपका जैसे ही कैंडिडेचर अनाउंस हुआ तो आपके सर पे अचानक वो जिन्ना का भूत चढ़मड़ा दिया गया था और मतलब आपको जिन्ना की कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी गई। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भी चुनाव बचा रहेगा, क्या इस बार भी चुनाव इस तरह के जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों से बच पाएगा? देखिए ये जो चुनाव है बिहार का वो बेहद अलग चुनाव है, हर बार के चुनाव से अलग है। वैसे भी हर बार का चुनाव अलग होता है लेकिन ये अलग इसीलिए है कि इसमें एक फाइटर जो 33 साल का युवा जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी हैं और दूसरी तरफ 70 साल के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि अब युवाओं का दौर है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आपने 15 साल में क्या कुछ किया वो आप अभी देख रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कभी आप उधर जा रहे हैं कभी हम इधर जा रहे हैं। ये बिहार का विकास है, ये बिहार का विकास है जिस विकास की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि विकास कि हमने जो है वो विकास का पूरा काम किया है। मैंने कहा विकास का आपने नाली तक नहीं बहाया और आप बोलते हैं जो है क्या नाम है हमने विकास विकास के लिए विकास की गंगा बहाई है। अरे आप नाली अगर बहा चुके होते अगर विकास की तो शायद ये जो सड़कें जिन पर हम लोग चल रहे हैं और कभी दाएं और कभी बाएं जा रहे हैं ये स्थिति तो नहीं होती। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो सरकार कोई भी हो उनके खिलाफ अगर उनकी उनकी रणनीति अगर सही नहीं है, उनकी पॉलिसी अगर लोगों के लिए सही नहीं है तो उनके खिलाफ़ मोर्चा खोले, उनके खिलाफ काम करे। कल को हो सकता है कि मैं किसी बड़े पद पर चला जाऊं, ठीक है, हो सकता है कि किसी बड़े पद पर जाने के बाद मुझे चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं चूँकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो उस समय भी हम छात्र आंदोलन को तरजीह देंगे, उस समय भी हम युवाओं को तरजीह देंगे और हम ये कहेंगे कि आप आंदोलन कीजिए, क्योंकि युवाओं के आंदोलन से देश की जो है दशा डिसाइड होती है, वो देश की देश के जनता की आंख खुलती है। कैसे हैं सोहू साहब? सब ठीक है? 15 साल से बात है। कैसे हैं? अभी भी इंशाल्लाह है। मुमताज साहब हैं। जैसे आपने कहा कि नौजवानों और छात्रों की आवाज़ झंडा जो भी हो लेकिन वो सबसे एक किस्म के सबसे ज़्यादा एक पुरजोर आवाज़ उठी है सरकार के ख़िलाफ़, एक विपक्ष का काम किया। साथ में आपने जैसे कहा कि किसानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, बहुत इस तरह से आंदोलन हमको देखने को मिले हैं 6 सालों में। आप खुद एक किसान परिवार से हैं, ये जो इलाका है जाले के बारे में स्पेसिफ़िकली बात करें तो जाले का ये इलाका और आसपास के इलाके ये बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, क्या आप यहाँ पर रोड मैप किया है? जैसे किसानों को तो बहुत नुकसान होता है जो हर साल बाढ़ आती है, क्या आपका एक रोड मैप है इसके बारे में? देखिए बिहार में लगभग 17-18 ज़िला जो है हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है और बाढ़ जो है वो किसानों के लिए जो है एक समझिए कि मर्डर के समान है। ऐसा समझिए कि आपने किसानों को गोली मार दी। एक तो किसान को लोन नहीं मिलता, रबी के समय में अगर लोन लेने जाते हैं तो खरीफ के समय में मिलता है और खरीफ के समय में लेने जाते हैं तो रबी के समय में मिलता है। तो जब ये परिस्थिति होती है तो किसान मजबूर होकर साहूकार के पास जाता है और बहुत महंगी ब्याज दर पर जो है वो अपने बीज खरीदता है, खाद खरीदता है और वो धरती के पेट में उस बीज को बोता है इस उम्मीद के साथ कि जब उससे फसल निकल कर आएगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने घर वालों के लिए अन्न देगा, उस देश को अन्न खिलाएगा। लेकिन जब बाढ़ आती है पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो आप सोचिए कि उस किसान के ऊपर क्या बीतेगा, उसका घर दह जाता है। तो हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से ये एक प्रण लिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम बाढ़ का जो पानी आता है उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुखाड़ है, तो जो सुखाड़ के इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी डाइवर्ट कर दिया जाए और साथ ही साथ ये जो पानी है
ठीक है, इस पानी को अभिशाप के ना समझकर हम उसको जो है वरदान समझें और उससे बिजली उत्पन्न करने का काम करें। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे काम किया जा सकता है, ये काम इस प्रदेश के अब नौजवान करेंगे। मुश्कुर, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं और जो दिख रही है इस चुनाव में कि नौजवान कैंडिडेट्स और आप खुद महागठबंधन में खासकर कि कई नौजवान कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मनोज मंजिल हो या संदीप सौरभ भी JNUSU में एक एक्टिव उनके JNUSU के पदाधिकारी थे, आप खुद AMUSU से हैं, और पिछले सालों में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो एक लल होता था कि भाई स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कुछ लोग एक्टिव होते थे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स से हट जाते थे, ये पिछले 5-6 सालों में खास करके जब से मोदी सरकार आई है कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नौजवान जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे, बड़े इंपॉर्टेंट इशूज उठाए, कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ जो एक सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं बट हाँ जो एक बहुत बड़ी आवाज़ जो एक निकली है मोदी सरकार के खिलाफ वो छात्र आंदोलनों से भी निकली है। तो ये क्या हो रहा है कि ये आपके हिसाब से क्यों बदलाव आ रहा है कि बहुत सारे नौजवान अब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करने के बाद भी एक्टिव पॉलिटिक्स में कंटिन्यू कर रहे हैं? आप इसको आपदा में अवसर कह सकते हैं कि देश को एक आपदा आई 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और वो आपदा दोबारा से आई 2019 में, और देश को एक आपदा आई 2017 में जब नीतीश कुमार प्रदेश को आई जब नीतीश कुमार जी ने BJP के साथ हाथ मिलाया। तो ये आपदा आया तो युवाओं को अवसर मिला कि उनकी कमियों को उजागर करें, और आप सही मायनों में देखिए तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो असल प्रतिनिधित्व जो है विपक्ष का जो किया है वो देश के छात्रों ने किया है, देश के युवाओं ने किया है, जो किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वो NSUI के भी छात्र हैं, वो छात्र राजद के भी छात्र हैं, वो तमाम इससे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब यूथ की आवाज़ होती है, जब स्टूडेंट्स की आवाज़ होती है तो वो उससे ऊपर उठ के काम करते हैं। तो एक जो मजबूत विपक्ष के रूप में छात्र सामने आए हैं, हम लोग भी उसका पार्ट है, हम लोग भी उसके कार्यकर्ता हैं, एक जो मजबूत विपक्ष जो बनाने का काम किया इस देश के छात्रों ने, हम भी उसमें कार्यकर्ता की हैसियत से हमने भी काम किया, हमने भी दरियाँ बिछाई हैं जंतर मंतर पे। तो कहीं ना कहीं उसका जो है एक आप कह सकते हैं कि उस मेहनत का एक जो है एक अवसर मिला है लोगों को, और पार्टियों को भी ये बात समझ में आई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसे आपने संदीप जी का नाम लिया, मनोज जी का नाम लिया, ये लोग ऑलरेडी जो है वो संघर्षरत थे JNU में और अपने ही पॉलिटिकल विंग से वो जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने उनके संघर्ष को जो है सम्मान देने का काम किया है। आप खुद एक युवा नेता हैं, स्टूडेंट यूनियन रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पर स्कूलों की सरकारी स्कूलों की बहुत जर्जर हालात है, और यही नहीं उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में, ठीक है, और हम एक्चुअली उस पर आप क्या सोच रहे हैं शिक्षा सुधार के लिए, और ख़ासकर कि हम जैसे अभी एक लाइब्रेरी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में रुके थे तो वहाँ देखा था और उसमें भी मैंने सुना था कि आपका एक योगदान रहा है, ये लाइब्रेरी मूवमेंट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं विधायक बनने के बाद, क्या आपका? देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपनी शिक्षा पूरी की तो मैं आ गया, और आने के बाद ये अपना इलाका मिथिलांचल का इलाका कहलाता है जिसका हट दरभंगा और मधुबनी है। तो इन इलाकों में जो है वो हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर बच्चा शिक्षित हो, और जब शिक्षित होने के लिए एक माहौल चाहिए होता है वो माहौल स्कूल और लाइब्रेरी में मिलता है। जो यहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ इमारतें जर्जर हो चुकी है, ऐसा लगता है कि 30 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तभी वो इमारत बनी थी, और उसके बाद आज तक उस इमारत में दोबारा प्लास्टर तक नहीं हुआ है, ना पेंट हुआ है, ना वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, ना वहाँ शिक्षक आते हैं। तो हम इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय में जाले विधानसभा के अंदर और पूरे बिहार के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सरकारी स्कूल खोलने का काम करेंगे, जिस जो है बेहतर स्कूल होगा वो प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने वाले स्कूल होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हैं तो हमारा एक कैंपेन है बेहतर शिक्षा बेहतर समाज गांव-गांव लाइब्रेरी, तो ये उसी मुहिम के तहत जिस जहां आप मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में गए और भी कई सारी लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरी हमारे इलाके में मिथिलांचल के इलाके में बंद पड़ी थी उन लाइब्रेरीज़ को हमने खुलवाने का काम किया,
और उसके साथ साथ जहाँ लाइब्रेरी नहीं थी जिस गांव में, तो हमारा ये एम है कि हर पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी हो और उस लाइब्रेरी का नाम हम लोग गांधी लाइब्रेरी देंगे, गांधी पुस्तकालय देंगे, ताकि बच्चे वहाँ पर आएँ और बच्चे वहाँ पर आके पढ़ाई कर सकें। अगर हर पंचायत में अगर एक लाइब्रेरी होगी तो बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और ये बेहद ज़रूरी है कि आज के इस दौर में जो युवा जो है उनको जो है गांधी के बारे में पढ़ना, सोचना, जानना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमने उस लाइब्रेरी का जो मेरी सोच है, जो मेरा विज़न है, वो ये है कि हर पंचायत में गांधी पुस्तकालय के नाम से जो है एक पुस्तकालय या लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। चलिए, पुस्तकालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, लग रहा है और उम्मीद है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में यही मुद्दे बनेंगे आने वाले सालों में चुनावों के लिए। ये थे मशकूर उस्मानी, महागठबंधन से कांग्रेस के जले से उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मशकूर, और आपकी पंचायत यहाँ जनसभा होने वाली तो मैं आपको और नहीं रोकूंगा, लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद।